आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट में, जिसमें हम आपको अपराध जगत से जुड़ी हुई खबरों से रूबरू कराते हैं। हमारे यहाँ देश में माना जाता है कि दशहरे में रावण के साथ उसकी बुराइयां भी जलकर राख हो जाती हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सड़कों पर रावण घूम रहे हैं, जो किसी न किसी अस्मत को तार तार कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ राजस्थान के धौलपुर में, जहां पर एक बार फिर से निर्भया कांड को दोहराने की कोशिश की गई। आइए दिखाते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। एक बार फिर से दोहराया गया निर्भया कांड। 14 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी, सब्जी लेने गई बच्ची के साथ हुआ गैंग रेप, पिता का दोस्त बताकर किया गुमराह, आखिर कब तक नाबालिग बच्चियों के साथ इस तरह की वारदातें होती रहेंगी? क्या इन दरिंदों को किसी का कोई खौफ नहीं है? राजस्थान के धौलपुर में दो युवकों ने सब्जी लेने गई नाबालिग को बंधक बनाकर अपने 5 साथियों के साथ मिलकर इस हैवानियत भरी वारदात को अंजाम दिया। यहां बेटी के गायब होने की खबर परिजनों को लगते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और इधर उधर अपनी बेटी को ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन जब तक उनको उनकी बेटी मिलती, तब तक उसकी अस्मत को इन दरिंदों ने नोच खाया। परिजनों ने बिना देर किए नाबालिग के साथ थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, उसे देखते हुए यही लग रहा है कि इन हैवानों को ना तो कानून का डर है और ना ही इसकी मिलने वाली सजा का खौफ। पीड़ित नाबालिग की उम्र 14 साल बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित शाम को बाजार में सब्जी लेने गई थी, वहीं पर उसको इन दरिंदों ने अगवा किया था और नाबालिग को गुमराह करते हुए कहा कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जैसे ही नाबालिग उनकी बाइक पर बैठती है, आरोपी उसे दूसरे रास्ते पर ले जाने लगे, जिस पर पीड़ित ने विरोध किया तो आरोपी ने कहा ये रास्ता भी तुम्हारे घर जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही आरोपियों के पास साथी कार लेकर खड़े थे। नाबालिग को जिनके हवाले कर दिया, उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक के बाद एक आरोपियों ने बच्ची की अस्मत को नोचा। पूरी रात उसके साथ इन आरोपियों ने गंदा खेल जारी रखा। तकरीबन सुबह के 4 बजे नाबालिग को जान से मारने की धमकी देते हुए बसेरी क्षेत्र के भूतेश्वर मंदिर के पास छोड़ दिया। वहीं इस पूरी वारदात के बाद जब परिजन नाबालिग को लेकर थाने पहुंचे, तो पुलिस ने पीड़िता से पूछताछ शुरू की। नाबालिग पीड़ित ने बताया कि जब बाइक सवार उसे ऐसे सुनसान रास्ते पर ले गए थे, तो वहां पर पहले से ही उनके और साथी इंतजार कर रहे थे और इसके बाद जो हुआ वो किसी के जीने मरने के जैसा था, या फिर यूं कहे कि मौत के मुंह से वापस आना। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल इस कड़ी में बस इतना ही। आगे हम आपको अपराध जगत से जुड़ी हुई देश प्रदेश की ऐसी ही तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।